वो कहते हैं गद्दार हैं हम, वो कहते हैं गद्दार हैं हम, जिसने जंगे आज़ादी में चाटे थे हुक्मरा के तलवे, आज उन्हीं की औलादें कहती हैं गद्दार हैं हम। कभी मंदिर के नाम पर, कभी गौरक्षा के नाम पर उठती रही आवाज़ के गद्दार हैं हम। ओढ़े चोला संत का जो बन बैठे हैं आज हुक्मरा, कहते हैं खुद को सेकुलर, चलवाते हैं मुस्लिमों पर गोलियाँ, वो कहते हैं गद्दार हैं हम। जिसे उर्दू से नफरत हो, जिसे अजां से नफरत हो, जिसे हक मांग रहे लोगों की आवाज़ से नफरत हो, जिसे अल्पसंख्यकों की परवाह से नफरत हो, वो कहते हैं गद्दार। ने हम पर अब तक जितने भी जुल्म ढाए हैं, तुमने हमारी खामोशी के जितने भी फ़ायदे उठाए हैं, तुम्हारी दलाली करते हैं जितने भी आज पत्रकार, तुम्हारी गलत बातों को जिसने भी सच ठहराए हैं, अब हम अपनी इस खामोशी की जंजीरों को तोड़कर तुम्हें तुम्हारी हुक्मरानी, तुम्हें तुम्हारी दलाली सब एक एक कर याद दिलाएंगे, और तुम्हारे अंग्रेजी अब्बा को भी बताएंगे कि कौन है। हम वो हैं जिसके पुरखों ने इस मुल्क को अपने खून से सींचा है, हम वो हैं जिसके पुरखों ने अंग्रेज़ों का गिरबान पकड़ कर खींचा है, हम वो हैं जो इकजहती का गीत गाते फिरते हैं, हम वो हैं जो अमन भाईचारगी का पाठ पढ़ाते फिरते हैं। हमने मार कर ठोकर पाकिस्तान को अपनाया है हिंदुस्तान को, अब तुम बताओ तुमने क्या ठुकरा कर पाया है हिंदुस्तान को। तुम्हारी गद्दारी का पता इस बात से ही लग जाता है, नागपुर के मुख्यालय पर आज तक तिरंगा नहीं फहराया जाता है। 2 अक्टूबर आते ही गांधी जी के पुतले को गोलियों से भून कर गोडसे का नारा लगाया जाता है। अब बताओ कैसे झुटलाओगे मेरी बात को, क्या भी धर्मवाद में लड़वाओगे हिंदुस्तान को। ये हमें गद्दार कहते हैं।